अभी अपने लैपटॉप और पीसी का कुछ इस तरह का हाल करने वाले, क्योंकि यार उसमें कोई गेम ही नहीं चल रहा है। यार अपना पीसी तो भाई आलू वाला पीसी हो चुका है, तो वेल गाइस ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो भैया घबराने की क्या बात है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 15 गेम लेके आया हूं जो ओपन वर्ल्ड तो है, साथ ही साथ उनका ग्राफिक्स क्वालिटी भी एकदम रियलिस्टिक है। एंड वेल गाइस इन सभी गेम्स को रन करने के लिए आपके पास कोई 8GB रैम या 4GB रैम नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1GB रैम हो तो भी ठीक, 2GB रैम हो तो भी ठीक, ये सभी गेम्स आपके पीसी या लैपटॉप में मक्खन जैसे चलने वाले। बस एक चीज करना, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, तो बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बल्कि जो मेरा फर्स्ट गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है ड्राइवर पैरेलल लाइन, एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जो 2006 में रिलीज हुआ था। एंड दोस्तों ये गेम ड्राइवर सीरीज का एक छोटा पार्ट है। इस गेम में आपको एक यंग ड्राइवर का रोल प्ले करना होता है, जिसका नाम द किट या टीके होता है। ये स्टोरी 1978 और 2006 के बीच के दो टाइम पीरियड पे डिवाइड है, जहां हमें अपने दुश्मनों से बदला लेना होता है। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये गेम दो टाइम पीरियड पे होता है, एक है 1978, एक है 2026। दोनों टाइम पीरियड पे अपने को जो भी देखने को मिलते हैं वो सभी अपने को कंप्लीट करने होते हैं। इनका मेन फोकस ड्राइविंग पे है, बट ड्राइविंग नहीं, यहाँ पर आपको ड्राइविंग के साथ साथ शूटिंग भी करना रहता है। इसमें हम अपने कार को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंजन, सस्पेंशन एंड लुक को अपग्रेड कर सकते हैं। इस गेम का जो दोस्तों ग्राफिक्स है, काफी अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस गेम को और भी गेम से डिफरेंट बनाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। तो आपका ही मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का, तो भाई किस ले रुके हो, खुद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर, कि जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है एस कॉम्बैट असॉल्ट होराइजन। जी हां दोस्तों, एक आर्केस्ट स्टाइल कॉम्बैट फ्लाइट सिमुलेटर गेम है, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। ये एस कॉम्बैट सीरीज का एक इंस्टॉलमेंट गेम है, पहले गेम की सीरीज से काफी डिफरेंट गेम है दोस्तों। इस गेम में हमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स एंड बॉम्बर और AC-130 गनशिप जैसे डिफरेंट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। ये गेम स्पीड, एक्शन और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। एस कॉम्बैट सीरीज में पहली बार हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस गेम का सबसे यूनिक फीचर ये दोस्तों, जब भी इस गेम में जब एयरक्राफ्ट डैमेज होता है तो एक रियल टाइम विजुअल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि इस गेम को और भी इंगेजिंग बनाता है। गेम का जो एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा प्लेन विलेन उड़ा दिया जाए, तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम की ऊपर। तो वेल गाइस जो थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कंजुजुकु। एंड कंजुजुकु गेम की बारे में बात करें तो ये एक रेसिंग गेम है, जो कि जापान स्ट्रीट रेसिंग कल्चर से इंस्पायर। इस गेम का नाम कंजुजुकु होता है, जो कि ओसाका जापान इनलीगल स्ट्रीट रेसेस के लिए यूज किया जाता है। गेम जापान स्ट्रीट रेसिंग पे फोकस करता है, जिसमें कि आपको अपनी कार को कस्टमाइज करके स्ट्रीट पर रेस करना होता है। गेम में कार कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपनी कार को कलर, बॉडी, किट्स, व्हीकल और इवन इंजन को भी मॉडिफाई कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स काफी रियलिस्टिक है, जो कि ऑथेंटिक जापान स्ट्रीट रेसिंग एनवायरनमेंट फील करवाती है, और नाइट टाइम सिटीस्केप और नियो लाइट गेम को काफी खूबसूरत बनाते हैं। आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, पिंडबल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक से बचते बचाते रेस करना पड़ता है, इस रेस को विन करना पड़ता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें ये i3 गेम आराम से चल जाएगा। आप भी चाहते हैं थोड़ा जापान की स्ट्रीट पर रेस करना, तो कूद फान के जाओ एनएसएम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है लेफ्ट 4 डेड, क्लासिक ज़ॉम्बी सर्वाइवर गेम है, जिसमें हम और हमारी टीम मिलके हॉर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बी को मारते हैं। ये गेम 2009 में रिलीज हुआ था, आज तक ये गेम काफी पॉपुलर है। इसका फास्ट पेस गेम प्ले और टीम वर्क फोकस है। हर सर्वाइवर अपने टीम के साथ मिलकर ज़ॉम्बी का सामना करता है। इसमें आपको अलग अलग मिशंस कंप्लीट करने होते हैं, हमें सेफ हाउस रहना होता है अपनी टीम के साथ। गेम का जो यूनिक फीचर दोस्तों ये है कि इन्हें टीम मेट्स के साथ मिलकर खेलना पड़ता है। अगर आपका एक बंदा भी पीछे छूट जाता है या उसे कुछ भी ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं, पूरे टीम को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक बनाता है जो कि है इसका स्पेशल ज़ॉम्बी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल ज़ॉम्बी तो आएंगे ही आपको मारने के लिए, बट इसमें दो ज़ॉम्बी जिनका यूनिक एबिलिटी होता है, जैसे कि टैंक जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, हमें उनसे बिना डिस्टर्ब किए हुए इस गेम को कंप्लीट करना होता है। एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर काफी रियलिस्टिक है, जो हमें इस गेम को स्केरी और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। मन कर रहा है ज़ॉम्बी को पीट पाट देने का, तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ गेम
गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है वर्ल्ड इन फ्लेम। की बात करते हो कि एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो कि 2008 में रिलीज किया गया था। एंड दोस्तों ये पूरा गेम सेट है वेला में, जहां आप एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, आपको एक जॉब मिलती है नाम के आदमी से, डायरेक्टर को पावर से हटाना होता है, कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन जब आप अपने काम को खत्म कर लेते हो सोलानो आपको बैटरी कर देता है, आपको बिना पेमेंट किए जो भी आपका जो मिशंस का जो पेमेंट होता है वो करता नहीं और आपको वहां से धक्के मार के निकाल देता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, मेन मिशन ये होता है कि सोलानो के जितने भी यहां पर बेस रहते हैं उसको खत्म करना। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, आप फ्रीली मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो, मिशंस को कंप्लीट कर सकते हो या तबाही मचा सकते हो। यूनिक पॉइंट है कि आप एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो और बिल्डिंग व्हीकल्स या ब्रिज सब कुछ उड़ा सकते हो, तो ये फीचर्स गेम को और भी इंगेजिंग बनाता है। इस गेम में आपको हेलीकॉप्टर, टैंक्स, बोट एंड काफी सारे स्पोर्ट्स कार्स व्हीकल देखने को मिल जाते हैं एंड उनको यूज करके आप यहाँ पर मिशन को कम्प्लीट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा और दोस्तों अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा तबाही वबाही मचा लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। जो सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है X-Men Origin Wolverine, जो कि एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो कि एक काफी पॉपुलर मार्वल कैरेक्टर के ऊपर बेस का हम रोल प्ले करने वाले हैं, उसका नाम है वुल्वरीन। इस गेम का जो मेन फोकस दोस्तों वो एक्शन और कॉम्बैट पर है और ये अपने ब्रूटल गेम प्ले के लिए फेमस है। गेम की इवेंट मोस्टली फिल्म से इंस्पायर है। इस गेम में आपको ओरिजिनल स्टोरी एंड ओरिजिनल मिशन देखने को मिल जाते हैं। इस गेम की खासियत ये है कि वुल्वरीन का जो क्रॉल्स रहता है जिससे आप एनिमीज को स्लैश कर सकते हैं इन अ वेरी ब्रूटल एंड सेटिस्फाइंग वे। कॉम्बैट सिस्टम बहुत ही वायलेंस और फास्ट पेस है। आपको डिफरेंट एनवायरमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जैसे कि जंगल्स, लैब और सिटीस्केप। आपको पजल सॉल्विंग करने का भी यहाँ पर मौका मिलता है जो गेम को और भी इंगेजिंग बनाता है। गेम में आपको टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है जो कि इस गेम को और भी थ्रिलिंग बनाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा वुल्वरीन बन के फाइटाबिलिटी कर लिया जाए तो भैया कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। गेम निकल के आता है उस गेम का नाम ट्रू क्राइम न्यूयॉर्क सिटी। जी हाँ दोस्तों ट्रू क्राइम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे 2005 में रिलीज किया गया था। वेल गाइस ये गेम ट्रू क्राइम सीरीज का एक सेकंड इंस्टॉलमेंट गेम है और इसमें आप फॉर्मर क्रिमिनल मार्कस रीड का रोल प्ले करते हो। जब आप NYPD डिटेक्टिव बन जाते हो गेम की कहानी मार्कोस की जर्नी को फॉलो करती है जहां वो अपनी पहली केस सॉल्व करता है एंड अपने फादर के जो किलर रहते हैं का वो पता लगाता है। गेम का मैप दोस्तों टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहां पर आपको न्यूयॉर्क सिटी को आराम से आप डिटेल कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। इस गेम में आपको मैनहट्टन के 4 एरिया मिल जाते हैं, एक है चाइना टाउन, मिड टाउन, लोअर ईस्ट साइड एंड हार्लेम। गेम में आप डिफरेंट वे से अपने केसेस को सॉल्व कर सकते हो। गेम में आपको कार चेस करना, शूट आउट करना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट मिशन मिलेंगे। हर मिशन अपने आप में एक यूनिक चैलेंजेस के साथ आता है जो कि गेम को और भी इंगेजिंग बनाता है। एंड गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया कोई नीड नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। तो अगर आपका मन कर रहा है एक डिटेक्टिव बनने का तो भाई कूद फांद के जाओ इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है एनिमी फ्रंट। की बात करें तो एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। इस गेम को CI गेम्स ने डेवलप एंड पब्लिश किया है। ये गेम वर्ल्ड वॉर 2 पे सेट है। इस गेम में आप एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हो, नाजी फोर्स के अगेंस्ट फाइट करता है। गेम का मेन फोकस टर्ट स्नाइपिंग एंड मिशन पर है। ये गेम आपको फ्रीडम देता है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो एंड आप ओपन कॉम्बैट में भी जा सकते हो, चुपके से एनिमी को खत्म कर सकते हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। गेम का एनवायरमेंट डिटेल्ड और रियलिस्टिक है जो आपको 1914 का यूरोप का फील देता है। बेसिकली यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको नाजी फोर्स के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है, उनके बंकर को तबाह करना पड़ता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा वॉल वॉर में कूद कर के फाइटाबिलिटी कर लिया जाए तो भाई किस लिए रो, कूद फन के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है रिमेंबर मी। एंड दोस्तों रिमेंबर मी एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, जिसे पब्लिश किया गया कैपकॉम के द्वारा। एंड दोस्तों बेसिकली ये गेम आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात
करें कि स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहां आप लोगों की यादों को डिजिटली फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। हमारे गेम की मेन कैरेक्टर नीलिन रहती है, वो एक मेमोरी हंटर रहती है, तो अपनी खुद की यादों को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाती है। इस गेम का गेम प्ले एक्शन पैक्ड है और इसमें आपको कॉम्बो बेस कॉम्बैट देखने को मिलता है। प्लेयर्स को स्पेशल मेमोरी रिमिक्स एबिलिटी मिलती है जिसे वो दूसरे कैरेक्टर की यादों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो गेम को यूनिक बनाता है। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का भैया, फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि हाई एंड गेम्स में रहते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। मन कर रहा है चल यार थोड़ा मेमोरी हंट वंट कर लिया जाए, थोड़ी यादों को रिकवर कर लिया जाए, तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। टेंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्टेट ऑफ डीके। ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवर गेम है। इनकी कहानी ऐसी दुनिया की है जहां ज़ॉम्बी हर जगह है और आपको अपनी कम्युनिटी को सेफ और सिक्योर रखना होता है। गेम का वर्ल्ड ओपन है जहां आप फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन को, जैसे कि टाउन, मिलिट्री बेस, अबैंडेड बिल्डिंग, ये सब सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रखना होता है, जैसे कि फूड, मेडिसिन और वेपन। ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट गेम का मेन पार्ट है। आपको एक स्ट्रांग बेस बनाना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को स्टोर करने के लिए। ज़ॉम्बी के अलावा भी कुछ डेंजरस थ्रेट्स हैं, जैसे कि हॉस्टल ह्यूमन ग्रुप्स जो आपके बेस को अटैक कर सकते हैं। ये डायनामिक थ्रेट आपके सर्वाइवल को चैलेंजिंग बनाती है। एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिले हैं जो कि आपको खेलने काफी मजा आने वाला है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोड टू ड्यू में गेम आराम से चल जाएगा। ज़ॉम्बी उम्बी को मारना है, कूद फान करना है, तो कूद फान के जाओ इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस, हमारा 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है अमेरिकन मैगी बैड डे एलए। की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम है जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। गेम अमेरिकन मैगी, जो एक फेमस गेम डिजाइनर है, के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इनकी स्टोरी की बात करें तो ये गेम एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है। लॉस एंजलिस में कुछ लोग वायरस इंजेक्ट कर देते हैं एंड ये वायरस टोटली सिटी पे फैल जाता है। एंड इससे क्या होता है कि जो भी वहां के नॉर्मल लोग रहते हैं म्यूटेट हो जाते हैं एज अ क्रिएचर्स में, एज अ ज़ॉम्बी में। यहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स ऑपरेटर जॉश के अराउंड घूमती है, सिटी के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए फाइट करता है। आपको डिफरेंट मिशंस कंप्लीट करने होते हैं, एनिमी से लड़ना पड़ता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्टूनिस्ट ग्राफिक क्वालिटी देखने को मिल जाता है जो कि गेम को और भी एंगेजिंग बनाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात, डुअल कोर होना चाहिए। वेल गाइस, अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा इन्फेक्शन रोक लिया जाए, थोड़ा लॉस एंजलिस को बचा लिया जाए, तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 12th गेम के ऊपर। 12th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है 35mm, एक फर्स्ट पर्सन सर्वाइवर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम। ये गेम रशिया के एक अबैंडेंड एरिया में होता है, जिसको अपने सर्वाइवर के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करके सर्वाइव करना होता है। ये गेम एक ऐसा वर्ल्ड को दिखाता है जहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है और जिंदगी का कोई अता पता नहीं। इट्स एक सर्वाइवर के रोल में होते हैं, अपने और अपने पार्टनर की जिंदगी बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि फूड, वाटर, मेडिसिन सप्लाई को ढूंढना पड़ता है। एनवायरमेंट है और ग्राफिक्स से वो काफी रियलिस्टिक है, डिटेल्ड है, जो कि पोस्ट अपोकैलिप्टिक का एक रियलिस्टिक फील देती है। डिफरेंट वेदर कंडीशन, डायनेमिक लाइट सिस्टम गेम को और भी इंप्रेसिव बनाते हैं। गेम में एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया एरिया को एक्सप्लोर करने से ही आपको रिसोर्सेज, स्टोरी के पीसेस मिलते हैं। में आपको काफी डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 3GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। आपको भी अबैंडेंड एरिया पसंद है और उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि इसलिए रुके हो, खुद फन के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 13th गेम के ऊपर। 13th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है टोटल ओवरडोज। एक एक्शन पैक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम को 2005 में रिलीज किया गया था। एंड वेल गाइस, आप मानोगे नहीं, काफी सारे लोग इस गेम को प्ले करते हैं 2024। गेम में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो, जिसका नाम हीरो क्रूज है, जो कि एक एक्स ऑफिसर है और अपने भाई की मौत की बदला लेने के लिए मेक्सिको आता है। आपको एक बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप पर घूमने का मौका मिलता है जहां आप फ्रीली रोम कर सकते हैं। आपको शहर और जंगल और डेजर्ट एरिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। दो मेन यूनिक फीचर्स रहता है, एक स्लो मोशन एंड ड्रग मोड।
स्लो मोशन मोड से आप अपने एनिमीज को ज्यादा आसानी तरीके से मार सकते हो। ड्रग मोड जो कि आपको टेम्पररी सुपर पावर देता है। इनका स्टाइल और ह्यूमर बहुत ही यूनिक है। ये गेम आपको कलरफुल ग्राफिक्स और ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस के लिए फेमस है। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। तो अगर आपके मन करे थोड़ा फाइटर वाइटी कर ले जाए तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 14th गेम के ऊपर। वेल की जो मेरा 14th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रो 3। एंड सैंथ्रो 3 की बात करें तो 2011 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो सैंथ्रो 2 का एक सीक्वेंस गेम है दोस्तों, टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों। यहाँ पर वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाती हैं। वाइल कंप्लीटिंग मिशन आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक भटक सकते हो, कार चला सकते हो, फाइट ऑफ फूटी कर सकते हो, मतलब वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाए। साथ बढ़ते हैं हमारे 15th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 15th गेम निकल के आता है उस गेम नाम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन। यहाँ दोस्तों ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन की बात करें तो 2013 का काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, डेवलप किया गया स्टार बेस्ट स्टूडियो के द्वारा, आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो बल्कि इस गेम काफी यार इमोशन से भरा हुआ है। अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन वाला गेम खोज रहे हैं तो ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है नई राम के एक लड़के से, अपने डेड मदर के टॉम स्टोन के सामने बैठ के रो रहा होता है। बड़ा भाई नया नई को बुलाता है कि अचानक उसके फादर का हेल्थ एकदम बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर नई और नई का भाई फादर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। एंड यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके फादर का तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल है तो आपको एक वाटर लाना पड़ेगा। दोनों भाई ट्री ऑफ लाइफ के वाटर को लाने के लिए निकलते हैं। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पर गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाए। यही कुछ 15 गेम थे आपके लोन पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये गेम्स आपको पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने प्यारे रसगुल्लों दोस्तों जरूर शेयर करना यार, क्योंकि यो भी ये गेम का लुफ्त उठा पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड हां दोस्तों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय-बाय।